आप लोगों के हमेशा मेरे पे सवाल आते हैं कि रोहित भाई यार आप इतनी अच्छी सेल करते हो तो कभी अपनी सेल्स टेक्निक भी बताया करो। तो आज मेनली मैं आपको अपनी सेल्स टेक्निक बताऊंगा और जिनकी मदद से आपकी सेल ज़रूर इंक्रीज होगी और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्लानिंग करनी होगी। रीसेलिंग में आपको अपना प्रॉफिट नहीं देखना, प्रॉफिट तो आएगा लेकिन आप थोड़ी प्लानिंग से काम करेंगे, थोड़ा सोच विचार के काम करेंगे, थोड़ा रिसर्च करके काम करेंगे तो आप वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास रीसेलिंग एप्लीकेशन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है, आप कभी भी उसे सेल कर सकते हैं। तो ना तो आपको प्रोडक्ट की टेंशन लेनी, ना आपको डिलीवरी की टेंशन लेनी, ना आपको पैसे की टेंशन लेनी। आपको टेंशन सबसे पहली होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कस्टमर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो कस्टमर आएगा वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। इसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा अलग अलग स्टेट को, कि कौन से स्टेट में अगर हम अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करें, चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस की हेल्प से या कहीं और भी आप OLX या क्विकर वगैरह पर डाल रहे हो, तो वहाँ से भी अगर आप प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी है कि भाई लोकेशन कौन सी हम सेलेक्ट करेंगे। जब आप लोकेशन डिसाइड कर लोगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस लोकेशन में जो लोग हैं वो हमारे किस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, गारमेंट होती हैं, मेकअप आइटम्स होते हैं, बहुत सारे आइटम होते हैं, तो आपको कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट में आपको सेल करनी है। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को ये कैटेगरी सेल करनी है, तो आप सोचोगे कि हम कहाँ कहाँ पोस्ट डालेंगे और वहाँ से जो लोग आएंगे उन उनकी नीड्स क्या हैं, वो नीड्स को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जैसे किसी विलेज एरिया में आप डाल लो, जैसे विलेज एरिया भी नहीं लेते तो आप मान के चलो राजस्थान में आप अगर डालोगे वुमेन्स की जो जींस होती हैं वो यहाँ पे सेल नहीं हो पाएंगी। अगर आप राजस्थान में शॉर्ट्स होती हैं उन्हें डालोगे तो वो भी सेल नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ का पहनावा अलग है, तो सेल होने के चांस 1% नहीं है। तो आपका जो एड डाला जाएगा चाहे फेसबुक पर या कहीं और, उसमें बस लॉस होगा, बेनिफिट होने के चांस 0 होंगे। तो सही लोकेशन आपको डिसाइड करके सही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होगा कस्टमर की नीड को देख के कि हम जिस लोकेशन में अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करेंगे वहाँ पे लोगों का पहनावा क्या है या उनकी नीड्स क्या है। जब आपको नीड्स उनकी पता चल जाती हैं कि वो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं या वो ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, तो आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मल या ट्रेडिशनल या और भी जो टाइप के गारमेंट हैं वो कौन सी एप्लीकेशन में मिलेंगी जो इनके हिसाब से परफेक्ट रहेंगे। तो आपको वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनकी उनको नीड है और वह प्रोडक्ट आपको अपलोड करने हैं। तो आप टारगेट भी उन्हीं कस्टमर को करोगे जिनको उनकी ज़रूरत है। उसके बाद होता क्या है, आप एक तरह से एरिया सही कवर कर रहे हो, प्रोडक्ट सही डाल रहे हो, रेट सही डाल रहे हो, और उसके बाद चांस रहेंगे कि कस्टमर आपके पास आएंगे क्योंकि आप उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो। और आप जब उनकी नीड्स को फुलफ़िल करोगे तो आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ऑर्डर आते हैं तो यहीं पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, और वो गलती आपने भी की होगी। अगर आपने फेसबुक मार्केट प्लेस कभी यूज किया है तो आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक चीज़ देखी होगी कि स्टार्टिंग में तो बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, लेकिन होता क्या है कुछ दिन बाद ऑर्डर आना बंद हो जाते हैं। वो आपकी कुछ गलतियां होती हैं, वो गलतियां इसी जगह पे होती हैं, यहाँ पे जो गुजराती बिजनेसमैन होता है वो सक्सेस हो जाता है, जो आप जैसे लोग होते हैं वो बिजनेस की बस बुराइयाँ ढूंढते हैं कि अब कस्टमर नहीं आते वो इशू। इस जगह पर क्या करना है, जब आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाए, ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए, तो आपको उनका डाटा कलेक्ट करना है, जैसे उनके व्हाट्सएप नंबर ले लेनी है, उन्हें एक ग्रुप में ऐड कर देना है या उनको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है, और उनके साथ लगातार आपको डील करते रहनी है। चाहे आप उन्हें एक तरह से रीसेलर की तरह ट्रीट कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो हमारे प्रोडक्ट को सेल कराओ और हम आपको कमीशन देंगे, चाहे उनके लिए अच्छे अच्छे ऑफर ला के उनको प्रोडक्ट सेल करिए। और
जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं कस्टमर, तो उसके बाद जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब उनको क्वेरी आती है या उनको इशू आते हैं प्रोडक्ट में तो वो आपसे बोलते हैं, तो आप लोग उन्हें ब्लॉक कर देते हो। सबसे बड़ी गलती मेरे को यही लगती है जहाँ पे आपके बिजनेस के डूबने के चांस होते हैं। आप जब कस्टमर को ब्लॉक करते हो वो आपकी फेसबुक को रिपोर्ट कर देता है और आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस हो जाती है बंद और ऑर्डर आना हो जाते हैं बंद। ऐसे ही किसी भी, अगर आप मार्केट प्लेस को यूज कर रहे हैं या खुद की वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर का ट्रस्ट नहीं खोना। अगर कस्टमर बोलता है मेरे को प्रोडक्ट बेकार मिला है आप रिटर्न कराओ, तुरंत आपको रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी होगी। मतलब कस्टमर को फर्स्ट रखना है और कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन आपको बनानी है। देखो बिजनेस रिलेशन से आप एक टाइम में फ़ायदा ले पाओगे, लेकिन पर्सनल रिलेशन बना लोगे तो मल्टीपल टाइम तक आप उससे कमाई कर सकते हो। इसके बाद कभी कभी लैंग्वेज इशू रहता है, आप लोगों की जो भाषा है उसको थोड़ा समझिए। देखो आपको कभी कस्टमर को अप्रोच करना है, आपके पास कोई कस्टमर आया, मोस्टली आप बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लोग बस मैसेज करते हैं इट इज़ अवेलेबल, ऐसे मैसेज आते हैं आई एम इंटरेस्टेड, पर कोई खरीदता नहीं। वो है आपकी लैंग्वेज और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की गलतियाँ, जिनकी वजह से कस्टमर तो आती हैं आपके पास लेकिन आप उन्हें कन्वर्सेशन उनसे अच्छे से नहीं कर पाते, जिस वजह से वो कस्टमर आपसे ऑर्डर नहीं लगवा पाते या आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते। तो ये कन्वर्सेशन का इशू होता है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको उनसे बात करनी है। पहले ये नहीं कि उन्होंने पूछा इट इज़ अवेलेबल, आपने तुरंत यस बोल दिया, उसके बाद रिप्लाई नहीं आएगा। उनसे बात करनी है, सर आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे किसी दुकान वाले के पास आप जाते हो तो वो आपसे पहले ही पूछ लेता है कि आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे शर्ट चाहिए तो किस टाइप की शर्ट चाहिए, आप बोलोगे चेक में चाहिए तो किस बजट में चाहिए, तो वो बोलेगा इसमें इतने रुपये के बजट में मैं ले सकता हूँ, उसके बाद वो दिखाना स्टार्ट करता है। तो जब आप कम से कम एक दो मिनट उसके साथ कन्वर्सेशन कर लोगे ना, तो ऐसा होता है रिलेशन क्रिएट हो जाता है इतनी देर में, और उसके बाद आप प्रोडक्ट दिखाओगे तो मोस्टली चांस रहते हैं कि हाँ भाई कस्टमर खरीदेगा। सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं करनी, पर्सनल बातें भी उनसे करनी है कि सर ये अच्छा है, आप पर ये सूट करेगा, ये आपकी बच्ची के लिए, और उन्हें सजेशन देनी है। अब मैं अपनी लाइफ का रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ कि मैं कटिंग कराने जाता था, तो हमारे पास का ही था तो उस पर मैं कटिंग कराता था, 50 रुपये कटिंग के लेता था और 50 रुपये सेविंग के लेता था, और हर बार यही चलता था। अब एक बार क्या हुआ, मैं भाई आगरा गया, तो आगरा में एक नाई के पास गया और जाके वहाँ पे कटिंग कराने बैठ गया। अब वो जब बंदा कटिंग कर रहा था तो मेरे को गाइड कर रहा था कि भाई आप ऐसे कलम रखा करो, इधर से छोटे रखा करो, इधर से अच्छे लगेंगे, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, तो उसने बहुत सारी गाइड की। मैंने बोला कि आप बताते चलो, वैसे वैसे करते चलो। उसने सेविंग वगैरह की, तो जब उसने ऐसा किया तो बिल्कुल लुक इतना अच्छा आया और बहुत अच्छा लगा। तो हुआ क्या कि मैं अब लगातार उसी पे जाता हूँ बार बार। अब देखो नाई तो ये वाला भी था, नाई वो वाला भी था, पैसे वो वाला ज़्यादा ले रहा है, पैसे ये पहले वाला ज़्यादा नहीं लेता था, दूसरा वाला लेता था, लेकिन मैं जाता उसी पे हूँ क्योंकि वो गाइड करता है। आपको लोगों को गाइड करना है कि सर आपके लिए ये सबसे अच्छा है, आप अपनी फ़ोटो भेजो, हम फोटो देख के आपके लिए एक बढ़िया सा टी शर्ट डिसाइड करेंगे, जो टी शर्ट मांग रहे हैं, पैंट मांग रहे हैं या जो भी गारमेंट मांग रहे हैं, आप उन्हें सजेशन दीजिए कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ऐसे आप उनको गाइड करिए। इसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो अपने प्रोडक्ट की स्टडी कर लेनी है। एक तरह से प्रोडक्ट की स्टडी कैसे की जाती है वो भी मैं बता दूं। जैसे आप किसी भी ऐप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जैसे चाहे मीशो का हो, चाहे ग्लो रोड का हो, या शॉप 101 या किसी का भी हो, तो आपको उस प्रोडक्ट की रेटिंग देख लेनी है पोस्ट करने से पहले, उस प्रोडक्ट के रिव्यू देख लेनी है। जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से स्टडी कर लेते हो कि हाँ भाई इसके रिव्यू भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है, फिर उसे प्रमोट करने के बारे में सोचिए, जिससे क्या हो कि जो भी आपके साथ कनेक्ट हो, जो भी कस्टमर आपसे जुड़े, जो भी आपसे शॉपिंग करें, वो सेटिस्फाई हो जाए। और आपको पता है अगर एक कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो वो हजारों को बताता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो जियो ने स्टार्टिंग की थी तो फ्री सर्विस दी थी, यहाँ पे फ्री का मतलब नहीं था, उसने सर्विस अच्छी दी थी जिससे माउथ पब्लिसिटी हुई, एक बंदे ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, इस तरीके से वो माउथ पब्लिसिटी होती गई।
मेनली जो यहाँ पे सेल किए जाते हैं वो लेडीज आइटम किए जाती है। तो एक लेडीज ने आपसे ख़रीदा कुछ और जब वो शादी में पहन के जाएगी तो वहाँ पे उनकी जो फ्रेंड सर्कल वाले होंगे वो या रिलेटिव होंगे वो पूछेंगे कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से ख़रीदा। तो वो लड़कियों में आदत भी ये होती है, जो फीमेल्स हैं उनमें आदत भी होती है कि मैंने यहाँ से ख़रीदा, इनसे आप ख़रीद सकती हैं। तो ऐसे आपकी माउथ पब्लिसिटी बढ़ती जाएगी और आपके पास सेल ज़्यादा जनरेट होती जाएगी। और अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आने लगे तो आपको ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देना, ठीक से बात नहीं करनी, आपको थोड़ा कुछ ऐसा करना है जैसे कि आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए, वहाँ पे प्रोडक्ट डाल दीजिए और कस्टमर को सीधा वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए कि ये, लेकिन वेबसाइट भी बनाओ और वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट डालो वो भी ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए एकदम बढ़िया, जो टॉप रैंकिंग वाले प्रोडक्ट हों, एप्लीकेशन भले ही मीशो वगैरह के हों लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिनके रिव्यू अच्छे हों और रेटिंग अच्छी हो जिन सेलर्स की, उनके ही प्रोडक्ट को डालिए, लुक अच्छा हो जिससे कि उस वेबसाइट पर रिपीटेड कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगें। तो आप ये कर सकती हैं और वेबसाइट हम भी बनाते हैं, आप हमसे 2500 रुपये में वेबसाइट बनवा सकती हैं। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं और बात कर सकती हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।